जय हिंद दोस्तों, आज है 5 मार्च 2023। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, जो यूएनओ में भारतीय राजदूत है रुचिरा काम्बोज, इनको अभी हाल ही में 62वें सत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और जो यूएनओ में अभी हाल ही में जो नए डीजी बने हैं, ये बने हैं एंटोनियो गुटेरस। यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक जीत जाएंगे हम किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, पुस्तक का नाम है जीत जाएंगे हम, ये अभी हाल ही में विश्वास नागरे पाटिल ने लिखी है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन को बनाया गया है। इससे पहले सुशांत वोजिकी थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इसकी वजह से यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन बने हैं। फ्रेंड्स, यूट्यूब का मुख्यालय कैलिफोर्निया के सैन ब्रूनो शहर में है, और इसकी स्थापना 14 फरवरी 2005 को हुई थी। यह गूगल के स्वामित्व में है, और इसके जो गूगल है, गूगल फ्रेंड्स, इसका सीईओ अभी हाल ही में सुंदर पिचाई को बनाया गया है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा फॉर्मूला ई चैंपियनशिप का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है, इन्होंने फॉर्मूला ई चैंपियनशिप का उद्घाटन तेलंगाना के हैदराबाद शहर में किया है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक है, उसका आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और 18 फरवरी 2023 को ये 49वीं बैठक का आयोजन किया गया। फ्रेंड्स, इस बैठक की जो अध्यक्षता है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने की थी। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा अनुच्छेद 93 किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 93 है, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति से संबंधित है। फ्रेंड्स, जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है, वो है ओम बिरला। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार पटेल प्रतिमा का अनावरण किया? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने फिजी में सरदार पटेल प्रतिमा का अनावरण किया है। फ्रेंड्स, फिजी की राजधानी है सुवा, और अभी हाल ही में फिजी में जो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 तक किया गया। फ्रेंड्स, मुद्रा है डॉलर। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन भारत में किस देश की सेना के मध्य शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स, जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है धर्म गार्जियन, ये भारत में जापान की सेना के मध्य शुरू हुआ 2023 में। फ्रेंड्स, इसका आयोजन हुआ, ये जापान में इसका आयोजन हुआ, और ये 4वां संस्करण था। फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो धर्म गार्जियन 2022 में हुआ था, ये बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरसीबी की महिला क्रिकेट टीम के मेंटोर के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा को अभी हाल ही में आरसीबी की महिला क्रिकेट टीम के मेंटोर के रूप में चुना गया है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन है, ये भारत की दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। फ्रेंड्स, इसका आयोजन 17 से 18 फरवरी 2023 तक किया गया, और अब की बार जो 2023 में इसका आयोजन किया गया, फ्रेंड्स, ये 7वां एडिशन था या 7वां संस्करण था। फ्रेंड्स, इस 7वें संस्करण की थीम थी रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 393वीं जयंती सेलिब्रेट की गई, और दिल्ली के लाल किले में फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया। फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमको समझते हैं, जैसे कि इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था, और महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना सन 1674 में की थी, और पुरंदर की लड़ाई जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में 1665 में हुई थी, और सिंहगढ़ की लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज और उदयपान सिंह राठौर के बीच में 1670 में हुई थी, और जो कल्याण की लड़ाई है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज और बहादुर खान के बीच में 1682 से 1683 ईस्वी में हुई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।